Today's poem is Something Told the Wild Geese. This is a very good and mysterious poem of Rachel Lehman Field. She was an American novelist, poet, and author of children's fiction. In this poem, she has told that there is something serious, something mysterious in nature that tells the birds and its creatures about the change of weather and coming of bad and poor conditions in life. Nature के अपने तरीके होते हैं, serious होते हैं, mysterious होते हैं, जिनसे nature अपने जीवों को, प्राणियों को ये बता देती है कि आने क्या आगे होने वाला है, what is going to happen next. Something told the wild geese. जो wild geese हैं, these are the birds, migratory birds होती हैं, जो कि हर बार जब जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, ठंड बढ़ने पर एक देश को छोड़कर दूसरे देश में, दूसरे रीजन को चले जाते हैं. तो नेचर में कुछ ऐसा है जो उनको बता देता है कि अब मौसम बदलने वाला है और उनको यहाँ से चले जाना चाहिए. समथिंग टोल्ड द वाइल्ड गीज इट वॉज टाइम टू गो. नेचर की किसी ताकत ने वाइल्ड गीज को बताया कि अब तुम्हारे यहाँ से जाने का समय हो गया है. दो द फील्ड्स ले गोल्डन, हालांकि अभी भी मैदानों में हर तरफ सुनहलापन यानी कि हरी भरी घास है, सुनहले फल फूल लगे हुए हैं, बट समथिंग विस्पर्ड, किसी ने फुसफुसा कर कहा, स्नो, बर्फ़ आने वाली है. लीव्स वर गोइंग ग्रीन एंड स्टरिंग, जो पेड़ों पर पत्तियाँ थीं वो हरी भरी थीं और स्टरिंग मूवमेंट कर रही थीं. बेरीज लशर ग्लॉस्ड, बेरीज लगी हुई थीं, जो बेरी फल होते हैं ये फल लगे हुए थे और लशर ग्लॉस्ड बिल्कुल ही पक रही थीं, सुनहली हो रही थीं, पीली हो रही थीं. लशर ग्लॉस्ड मीन्स चमकीली और पीली सुनहली हो रही थीं. बट बीनीथ वार्म फेदर्स, लेकिन मौसम की गर्मी के नीचे, समथिंग कॉशनड फ्रॉस्ट, किसी चीज़ ने कॉशन किया, चेतावनी दी, अब फ्रॉस्ट आने वाला है, कोहरा आने वाला है. ऑल द सेजिंग ऑर्चर्ड्स स्ट्रीम्ड विद एम्बर स्पाइस, बट ईच वाइल्ड ब्रेस्ट स्टिफेंड एट रिमेम्बर्ड आइस. ऑल द सेजिंग ऑर्चर्ड जो जितने ही ऑर्चर्ड के पेड़ थे वो सेजिंग हो रहे थे. क्या हो रहे थे? सेजिंग हो रहे थे, बिल्कुल झुके जा रहे थे. उन पर इतने ज़्यादा फल लगे हुए थे, फूल थे, कि उनके वजन से वो झुके जा रहे थे. सेजिंग हो रहे थे, झुक रहे थे. स्टीम्ड विद एम्बर स्पाइस, स्टीम्ड मीन्स भरे हुए थे. किससे स्टीम थे? जब कवर थे, कवर हो गए थे. स्टीम मीन्स भाप होती है और भाप हो गए थे, यहाँ पर भाप मतलब है कवर्ड है. किससे थे? एम्बर स्पाइस, एम्बर स्पाइस मीन्स ब्राउन कलर से के हो गए थे, यानी जितने भी वहाँ पर ऑर्चर्ड्स के पेड़ थे वो सब ब्राउन कलर के थे, जो कि बहुत ही अच्छा कलर होता है, समर में होता है. बट ईच वाइल्ड ब्रेस्ट स्टिफेंड, लेकिन हर एक वाइल्ड ब्रेस्ट मीन्स चिड़िया का हृदय, हार्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्टिफेंड जम खा गया एट रिमेम्बर्ड आइस. जब उन्हें पिछले समय की बर्फ़ की याद आई तो उनका दिल डर के मारे बिल्कुल जम सा गया, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ कुछ भी नहीं बचता है. समथिंग टोल्ड द वाइल्ड गीज, किसी चीज़ ने वाइल्ड गीज को बताया. ये समथिंग क्या है? दिस इज़ द सीक्रेट पावर ऑफ द नेचर, जिसने वाइल्ड गीज को बताया कि इट वॉज टाइम टू फ्लाई ए बर्ड्स, नाउ तुम्हें यहाँ से उड़ जाना चाहिए. समर सन वाज ऑन दियर विंग्स, समर सन, गर्मी का जो सूरज है वो ऑन दियर विंग्स मीन्स अब उड़ रहा है, जा रहा है, मीन्स समर सन वाज ऑन दियर विंग्स. इसका मतलब ये हुआ कि गर्मियों के जो सुहाने दिन हैं वो अब ख़त्म हो रहे हैं. ऑन दियर विंग्स मीन्स उड़ जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, बहुत जल्दी गर्मियाँ ख़त्म हो जाएंगी. विंटर इन दियर क्राई, और बहुत जल्दी विंटर यहाँ पर आ जाएगा, मीन्स यहाँ पर विंटर आ जाएगा और उनको परेशान होना पड़ेगा. तो उस परेशानी से बचने के लिए बर्ड्स को ये चाहिए कि वो जल्दी से यहाँ से उड़ जाएं. और क्या करें? इस पिक्चर को देखिए, ग्रीन ट्रीज, ब्राउन, गोल्डन, ऑरेंज एंड डिफरेंट कलर्स, दैट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी प्लीजेंट सीजन. बट द बर्ड्स, they have been born by the nature to fly away, because very soon, very very soon, winter is coming, and when winter comes, everything here will be white, these trees, this grass, and everything, that water that always convert into water, into ice, and therefore they must fly.
तो माइग्रेटरी बर्ड्स हमारे यहाँ हमारे सिटी में भी आते हैं, जिनको आप ख़ासतौर से विंटर सीज़न में हमारे यहाँ देख सकते हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे गंदे लोग हैं, बुरे लोग हैं, जो इन माइग्रेटरी बर्ड्स जो कि हमारे गेस्ट होते हैं, मेहमान होते हैं, उनको हंट करते हैं और उनको खा जाते हैं। सो वी हैव टू सेव देम। नाउ हियर आर द बर्ड मीनिंग्स दैट यू कैन सी एंड यू मस्ट गो थ्रू दीज बर्ड मीनिंग्स। Poet is Rachel Lyman Field. And here a short life history of the poem, about the poem and the poet also. Was an American novelist, poet and the author of the children fiction. She was received many awards for her work. Something Told the Wild Geese in one of the most famous poems. सबसे ज़्यादा फेमस पोएम्स में से एक है। दिस पोएम इज़ अबाउट द पैसेज ऑफ टाइम एंड द चेंज एंड साइकिल ऑफ द सीजन। ये बताती है कि समय बदलता है और उस समय के साथ मौसम और मौसमात सब बदलते हैं। इन द पोएम नेचर सीम्स टू हैव इट्स ओन सीक्रेट एंड मिस्टीरियस वे ऑफ टेलिंग द गीज दैट विंटर इज क्लोज एट हैंड एंड दे मस्ट गेट रेडी टू फ्लाई द लैंड वेयर इट इज समर। कि बहुत जल्दी विंटर आने वाला है, इसलिए उन्हें समय रहते क्या करना चाहिए, गर्मी की जगहों पर चला जाना चाहिए। ठीक वैसे ही हमारे लिए होता है कि वी मस्ट ऑलवेज बी रेडी फॉर द पुअर कंडीशंस, फॉर द बैड कंडीशंस ऑफ लाइफ, सो दैट वी शुड बी एबल टू फाइट देम प्रॉपरली एंड अडेप्ट आवरसेल्फ टू द चेंज कंडीशंस। ओके, थैंक यू। सो कंटिन्यू विद दिस पोएम एंड गिव मी फीडबैक ऑल्सो।